साइड में भी बाप रे, यहाँ पे तो सारे कावरी वालों को रोक के रखा है। चार पांच तो पथ बना हुआ है और चारों पांचों लाइन में देख रहे भीड़, पूरा भीड़ बना भाई, भयंकर कावरियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। कॉलेज के ग्राउंड में कितना बड़ा टेंट बनाया गया है, पूरा फुल हो चुका है भाई। उसके बाद यहाँ पे रोक रोक के भेजा जा रहा है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को बाबा धाम के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोगों को पता है अभी बाबा धाम का ब्लॉग देखने को मिल रहा है और अभी सावन का मास चल रहा है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा देवघर में भीड़ देखने को मिल रहा है, पिछले साल से रिकॉर्ड तोड़। और आज भी देखिए कितना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वो पूरा पथ में। तो चलिए आप लोगों को देवघर का जितना भी पथ है सारे पास में दिखाएंगे आप लोगों को कितना कावरियों का भीड़ है इस सावन। धोबी घाट, धोबी घाट के साइड यहाँ पे लॉक कर दिया गया, ये साइड में सारे लोग जा रहे हैं शिवगंगे से जल उठा के, ये साइड में सारा संकल्प करके स्नान करके ये साइड जा रहे हैं, ये साइड में ये रास्ते में आने जाने नहीं दे रहे, सिर्फ जो कावरिया वाले नहीं है वो ये साइड आ सकते हैं या जो पूजा कर लिए हैं सब आके यहाँ पे सारे दुकानों में आप खा सकते हैं। लेकिन भाई बहुत ही भयंकर भीड़ है यार, गर्मी भी उतना काफ़ी ज़्यादा नहीं है तो कावरी वालों को पूजा करने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन भैया बाबा को तो जल चढ़ाना है किसी भी हाल में। और भीड़ इस भाई गजब का, इतना बड़ा पथ है भाई, इस पूरा भीड़ देखने को मिल रहा है, पूरा कावरियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है पथों में भी। ये सब पिछले बार जितना हम ब्लॉग बनाने आए थे ये सारे पथ में कावरी वाले का भीड़ देखने को ही नहीं मिला था, लेकिन ये साल देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा, कोई 5 घंटे से 6 घंटे से लाइनों में लगे हुए हैं। और एक तो सुल्तानगंज से जो पैदल आ रहे हैं वो उसका तो अलग ही है भाई, ये लोग सारे पूजा कर लिए हैं इसीलिए आप घर की ओर जा रहे हैं। बीच बीच रास्ते में ऐसा सभी लोग सुविधा दे रहे हैं, पानी का व्यवस्था इधर से सारे लोग पास कर रहे हैं, वो साइड में पानी देख रहे हैं सभी कावरियों वाले को। 4 दिन से पैदल 5 दिन से कोई 2 दिन में ही पैदल पूजा कर लेते हैं, कोई 4 दिन लग जाता है। धोबी घाट से यहाँ जब पथ शुरू होती है तो यहाँ पे झरना भी लगा दिया गया है, सारे कावरिये वाले भींज रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही काफी है, तो इसलिए यहाँ पे भींगने के बाद कावरिये वाले को बहुत ही ज्यादा आराम लगता होगा। तो मैं सारे लोग दौड़े हुए, खाली होता है तो दौड़े हुए सारे लोग लाइन में लग जाते हैं पार्क में, ये साइड में भी बाप रे, यहाँ पे तो सारे कावरी वालों को रोक के रखा है, बहुत ही भीड़ है भाई। नंदन पहाड़ यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, सत्संग 3 किलोमीटर और जसीडी यहाँ पे 7 किलोमीटर, ये साइड में तो वो साइड में पथ नहीं बना हुआ है, ये साइड में बना हुआ है, यहाँ सारे कावरी वालों को रोक के रखा गया है, गजब का भीड़ है भाई ये सावन। भैया ये तो अभी कलर है, अभी तो पिक्चर पूरा सावन बचा हुआ है, ऐसा भीड़ इस साल लगता है पूरा सावन देखने को मिलेगा, एक सप्ताह निकल चुका है और डेली ऐसा भीड़ देखने को मिल रहा है। और डाक बम वाले को अलग रास्ता दिया जा रहा है, आराम से जाके भैया जल चढ़ाइए क्योंकि डाक बम वाले नहीं रुक सकते हैं, लाइनों में ज़्यादा देरी होने के बावजूद ज़्यादा देरी हो जाती है तो सारे लोग पथ में ही बैठ जाते हैं क्योंकि क्या कर सकते हैं, काफ़ी भयंकर भीड़ है। क्या पथ, 4 पथ बना हुआ है और चारों पांचों लाइन में देख रहे हैं भीड़, पूरा भीड़ बना भाई, भयंकर कावरियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इस साल का भीड़ देख के भैया आप लोगों का होश उड़ जाएगा, इतना काफ़ी भयंकर भीड़ लगा हुआ है, कितना काफ़ी ज़्यादा बड़ा पथ, सभी लोग लाइन में लगे हुए भाई देख रहे, बहुत ही व्यवस्था किया गया है सारे पथ में, वो साइड में एक ही पथ में फैन लगाया गया और इतना ऊपर में लगाया गया कि फैन का हवा नीचे भी नहीं आती होगी। और ये देखिए डाक बम वाले लड़की भैया सुल्तानगंज से दौड़े हुए आ रहे हैं क्योंकि जल्दी से पूजा किया जाएगा क्योंकि टाइम रहता है डाक बम वाला का, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे लोग कर रहे हैं। देखिए पैर में एथी कर रहे हैं लाठी के सहारे, सारे लोग घंटे घंटे से बैठे हुए हैं लाइन में, अभी पैदल ही आ रहे सुल्तानगंज से, फिर सिर्फ गंगे में स्नान करेंगे, फिर वहाँ पे संकल्प करेंगे, फिर से लाइन में लगेंगे, मतलब इन लोग जो अभी लाइन में लगे हुए हैं लगभग अभी 10-11 बज रही है, लगभग पूजा करते करते शाम भी अंधेरा भी हो सकता है। खुशी वाली बात है धूप नहीं है, मौसम बहुत ही सुहाना किया हुआ है तो बहुत ही आराम लग रहा होगा। साइड में भीड़ लगा हुआ है, ये साइड सारे कावरिये वाले आ रहे हैं, इधर भीड़ लगा हुआ है, ये इधर भी पथ बना हुआ है, ये साइड में देखते हैं भीड़ लगा हुआ है कि नहीं कावरिये वाले का। यहाँ पे आप लोगों को भैया जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो बॉडी में या कुछ भी दुर्घटना हो सारा चीज़ यहाँ का इलाज कर सकते हैं, सारा दवाई का व्यवस्था है। देखिए यहाँ सारे पर टेंट लगा दिया गया है, सूचना केंद्र भी है। बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, ये
इस साल तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कांवरियों को घुमा रहे हैं ये साइड से। शिव सारे लोग अभी शिवगंगे से नहा के आ रहे हैं, ये साइड जा रहे हैं, बताइए उस साइड से घूमते घूमते गोल करके वहाँ लाइन लगना पड़ता है, बहुत लंबा घुमाया जा रहा है क्योंकि भीड़ ही ऐसा है ना। और बरसाती भी ऊपर से लगा दिया कि बारिश में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे देखिए नींबू पानी सारा व्यवस्था है। पिछले साल का सारा ब्लॉग का लिंक दे देंगे या आप लोग देखना चाहेंगे देखिएगा। पिछले साल ये सारे जित पथ बना था सारे पथ में एक भी पथ में कांवरे वाले दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये इस बार जितना भी देवघर में पथ बना हुआ है सारे पथों में कांवरियों का भीड़ लगा हुआ है। दियापुर पहुँच गए, यहाँ से सभी लोग अददिया पुल में भी सारे कांवरे वालों को रोका जा रहा है, उसके बाद बीएड कॉलेज के साइड ले जाया जा रहा है। बीएड कॉलेज भी जाके देखते हैं कि भीड़ कितना है कांवरियों का। बीएड कॉलेज पहुंच गया और टेंट बना हुआ, उससे आप बोलबम का नारा सुन सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अंदर जाने को तो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही भयंकर भीड़ है, आपके होश उड़ जाएंगे भीड़ देख के। जय घंटों तक वेट करने के बाद लाइन में खड़े रहने के बाद ये साइड पथ में जाते हैं और पूरा रोटेट करके तब जाके धोबी घाट के पास निकाला जाता है। अंदर जाने को मिलेगा तब ना आप लोगों को भीड़ दिखा सकेंगे। कॉलेज के ग्राउंड में कितना बड़ा टेंट बनाया गया, पूरा फुल हो चुका है भाई। उसके बाद यहाँ पे रोक रोक के भेजा जा रहा है क्योंकि पूरा भीड़ एकदम जनसलाब देखने को मिल रहा है कांवरिया का, इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि जितना बड़ा टेंट तीन तीन थोर चार चार थोर टेंट बनाया गया, बड़ा बड़ा पथ बनाया गया, वो भी पूरा फुल हो चुका है। पे कांवरिया वाले को ठंडा ठंडा पानी पिलाया जा रहा है साबिल, ये भाई पूरा फुल हो चुका है। जितना पथ आप लोगों को दिखाई दे रहा है देख रहे सारे में कांवरिया लोग का एकदम जनसलाब देखने को मिल रहा है, इसीलिए वहाँ पे बाहर में भी पथों में वेट करवाया जा रहा है कांवरियों लोगों से क्योंकि पूरा फुल हो चुका है। ये जो सारा पथ है इधर पुलिस लोग लगे हुए हैं, कहीं बोलने भी लगेंगे। देख रहे हैं जितना पथ है सब सारे में एकदम भीड़ लगा हुआ है, पूरा जनसलाब देखने को मिल रहा है कांवरिया वाला का, बहुत भयंकर भीड़ है भाई। हम पहली बार ऐसा भीड़ देख रहे हैं क्योंकि दो साल से तो ब्लॉक ही बना रहे हैं, तो पिछले साल देखे थे तो लेकिन इस सब सारे पथों में भीड़ नहीं थी, लेकिन आज लगभग 12 बज रही और भीड़ देख सकते हैं, जनसलाब देखने को मिल रहा है कांवरिया वाला का। और अभी तो आते ही है, वेट करने करने के आदमी पथ में ही बैठ जाते, क्या कर सकते। देख सारे पथ में बैठे हुए लोग कितना देरी तक खड़े वेट करें, इसको बोला जाता है भगवान के प्रति जुनून। और ऐसा दो में देखा जाता है, सारे लोग इधर भी बाहर में बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि लाइन में खड़ा रहने से अच्छा है सारे लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा लेट पूजा करेंगे लेकिन बाहर ही वेट कर रहे हैं, क्या कर ही क्या सकते हैं लोग। और सबसे बड़ा व्यवस्था है कि अंदर में फैन वैन का सारा सुविधा है, तो उतना काफ़ी ज़्यादा गर्मी तो लगेगी, भीड़ तो है भैया, लेकिन मौसम भी अच्छा हुआ है, कभी धूप निकलती है कभी छांव करती है, देख रहा है थोड़ा थोड़ा बादल भी है, बारिश तो हो नहीं रही है। यहाँ पे बेड करवाया जा रहा है, फिर यहाँ पे छोड़ा गया, तब सारे लोग अभी बीएड कॉलेज में जा रहे हैं और लगभग 5-6 घंटा बीएड कॉलेज में वेट करेंगे भैया, पथों में खड़ा रहेंगे। इधर बरमसिया चौक के साइड जा रहे हैं और बरमसिया चौक के साइड में भी सारा पथ बनाया गया है और पथ में भी देख सकते हैं कांवरियों का जनसलाब, ये साइड में अभी जा रहे हैं लाइन लगने के लिए ही, उधर से सारे लोग लाइन लग रहे हैं, इधर बीएड कॉलेज के साइड चल जाएंगे, फिर उधर रोटेट करके धोबी घाट से मंदिर, फिर से गंगे में नहाएंगे, फिर लाइन लगेंगे, सब दौड़े हुए जा रहे हैं जल्दी जल्दी, बहुत भयंकर भीड़ है। एक भी देवघर का पथ खाली नहीं है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। घर के अंदर जितना भी पथ देखने को मिल रहा है सारे पथ में कांवरियों का जनसलाब देखने को मिल रहा है इस सावन, कि एक भी पथ खाली नहीं है। ये साइड में भी पथ बना हुआ है, देख रहे हैं कांवरियों का जनसलाब ये साइड में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये साइड मंदिर की ओर जा रहे हैं। इधर सीधे चल जाएंगे नंदन पार्क के साइड, नंदन पार्क के साइड से सारे लोग कांवरिये वाले लाइन में लगे हुए आ रहे हैं, ये बहुत ही भयंकर भीड़ है भाई। इधर भी घुमाया जा रहा है कांवरिया वालों को, इधर से घुमा के पूरा रोटेट करके इधर फिर आएंगे तब मंदिर की ओर जाएंगे। पूरा देवघर के साइड में सारे रोडों में एकदम पथ बनाया गया और सारे पथ में कांव
कावरियों का इस साल भीड़ लगा हुआ है। एज बरमसिया चौक के साइड आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितना काफ़ी ज़्यादा पथ बना हुआ है और सारे पथ में एकदम कावरियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। एक भी अभी तक जितना भी का देवघर का पथ देखे हैं पूरा लगता है उधर मंदिर के साइड वो सारा घूम गए हैं, कहीं भी एक भी पथ खाली देखने को नहीं मिल रहा। सारे पथ में एकदम कावरियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और सारे रोड भी पूरा खाली खाली, इधर ज़्यादा गाड़ी घुसने को नहीं दिया जा रहा है और नारा लगाते हुए सारे लोग घंटों से जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भी 5 से 6 घंटे पूजा करने में लग जाएगा, पथ में ही चलते रहेंगे। ज़्यादा भीड़ होने के कारण सभी कांवरिए वालों को नंदन पहाड़ के साइड ले जाया जा रहा है, उस साइड से फिर घुमा के मंदिर के साइड ले जाएंगे।